गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय, हाउ आर यू? आई होप यू अगेन फाइन। आज हम लोग चैप्टर 8 द प्रिंसेस ऑन सॉरी आज हम लोगों को चैप्टर 7 जो सनशाइन हम लोगों ने पढ़ा था और उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना है, राइट? तो आप लोग पेज नंबर 58 निकालेंगे और देखेंगे, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिज वर्ड्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द सन वेंट टू स्लीप बिफोर द चाइल्ड स्टॉप। इसमें फर्स्ट में आप लोग प्लेइंग भरेंगे, फर्स्ट में प्लेइंग, राइट? द सन गोज अराउंड टू सी हिज लिटिल चिल्ड्रेन। थ्री, द सन, थ्री में सन होगा, द सन स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे। किसको डरा? सूर्य जो है छोटे छोटे स्टार्स जो है उसको डराता है। द सन वेक्स ऑल द बर्ड्स एंड बीज, यानी वो जब रास्ते में चलते हैं तो जितने भी बर्ड्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं उनको वो जगाते चलते हैं, राइट ना? तो यहाँ पे है आपका फोर फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसके लिए ऊपर में चार वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, और आपको फिल करना था। तो चिल्ड्रेन वर्ड्स है, प्लेइंग है, और जो है द, और बर्ड्स हैं ये, और सन फोर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको फिल करना था, तो वो हमने कर दिया है कि द सन वेंट स्लीप बिफोर द चाइल्ड स्टॉप्ड। द सन वेंट टू स्लीप बिफोर द चाइल्ड स्टॉप प्लेइंग, क्या मतलब? जो बच्चे जो है जो खेला के खेलने से बंद होने से पहले वो सन वेंट टू द स्लीप, यानी वो सोने चला गया था। द सन गोज अराउंड टू सी हिज लिटिल चिल्ड्रेन, है ना, वो अपने छोटे छोटे लिटिल बच्चों को, चिल्ड्रेन को जो है देखने के लिए जाता है। द सन गोज राउंड, है ना, वो चक्कर मारते रहता है। द सन स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे, वो छोटे छोटे जो हैं जो स्टार्स होते हैं उनको वो डरा देते हैं। द सन वेक्स ऑल द बर्ड्स एंड बीज, और जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी में कि जो सन जो है ऐसे निकलते हैं, आते हैं जो उनसे सारे छोटे छोटे जो पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, और जो बीज हैं, सॉरी सॉरी लिटिल स्टार्स हैं, वो डर जाते हैं। और फोर्थ में है द सन वॉक वेक्स ऑल द बर्ड्स एंड बीज, और सन जो है जब वो चलते हैं रास्ते में तो वो सबको जगाते हुए चलते हैं, पक्षियों को और मधुमक्खियों को, है ना। हु आई वेक ऑल द बर्ड्स एंड बीज एंड फ्लावर ऑन माई वे। इस पोएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि आई वेक ऑल द बर्ड्स एंड बीज एंड फ्लावर्स ऑन माई वे, यानी रास्ते में, मेरे रास्ते में जो भी पक्षियां, मधुमक्खियां, फूल आते हैं, मैं सबको जगाते हुए और चलता हूं। अब नेक्स्ट है वन आंसर इन वन वर्ड, हु सॉ द सन गो टू स्लीप। हु सॉ द सन गो टू स्लीप, तो इसमें जो बच्चे हैं वो देखते हैं
वन वर्ड आंसर है, तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड लिख देंगे, CHILD, चाइल्ड। हु साइंड अवे द मून, एंड यू हैव स्केयर द लिटिल स्टार्स एंड साइंड अवे द मून। यहाँ पे सन होगा, सन जो है सूर्य को चमकाता है, चंद्रमा को चमकाता है। हु स्टेज आउट, स्टेज आउट लेट टू प्ले, यहाँ भी चिल्ड्रेन होगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चाइल्ड ही लिखते हैं, चाइल्ड। फोर, वेयर डज द सन गो टू सी द लिटिल चिल्ड्रेन, ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो जाते हैं। ओके, अब नीचे क्वेश्चन जो है आपका A3 का रहा है, इसमें कलर द पिक्चर्स विच वन ऑफ दिस विच डज द सन वेक, चूज द करेक्ट पिक्चर्स। आपको जो है अब इसमें से पिक्चर कलर करना है और कौन सा पिक्चर है जिसमें सन जो है उनको उठाता है, पक्षियों को भी और मधुमक्खियों को भी, पेड़ों को नहीं। तो ये फर्स्ट होगा वर्ड, इसमें नीचे टिक कर देंगे हम लोग, राइट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वर्ड वाइज, मैच द गेटिंग वर्ड्स ग्रीटिंग वर्ड्स विथ द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं और बीच में ग्रीटिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून, गुड नाइट। अब देखेंगे हम लोग कि ये हेलो जो लिखा हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो एक दूसरे को हेलो बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हेलो को हम लोग पिक्चर नंबर 3 से मैच कराएंगे, राइट। सेकेंड है गुड मॉर्निंग, अब देख रहे हैं कि पिक्चर नंबर 2 में जो है सुबह का टाइम है, सूर्य भी दिख रहा है ना, और ये उठ के जो है उठ रही है बेड पर से, तो ये आपका गुड मॉर्निंग है। थर्ड है गेट वेल सून, गेट वेल सून का मतलब होता है आप जल्द, जब कोई बीमार होता है तो हम लोग उनको बोलते हैं गेट वेल सून, यानी आप जल्द ठीक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पीला कलर का फिगर जो है येलो कलर में, ये बीमार व्यक्ति है, इसको हम लोग 4 से मैच कराएंगे, गेट वेल सून को 4 से। एंड लास्ट में है गुड नाइट, जो पिक्चर नंबर 1 में है ना, आप वहाँ देख रहे हैं कि बेड के बगल में स्टार मून वगैरह दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका गुड नाइट का सिंबल है। अब नेक्स्ट है व्हाट शुड यू से इन दिस सिचुएशन, है ना, कह रहा कि अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो आप क्या बोलेंगे, जैसे और फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको वर्ड और नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स की मदद से जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। कह रहा है कि यू आस्क योर मदर टू मेक सम जूस, अगर आपको अपनी माँ से कहना होगा कि कुछ जूस बनाने के लिए, तो आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, थैंक यू बोलेंगे, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, प्लीज बोलेंगे, आई एम सॉरी बोलेंगे, या यू आर वेलकम बोलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज, क्या बोलेंगे, प्लीज, यू आस्क योर मदर टू मेक सम जूस, प्लीज। सेकेंड है योर फ्रेंड मेक ए कार्ड फॉर योर बर्थडे, है ना, अगर आपका कोई दोस्त आपके बर्थडे के का कार्ड बनाता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, बोलेंगे ना, थैंक यू। थर्ड है यू वांट टू मूव थ्रू ए क्राउड, यदि आप क्राउड के बीच से जो है जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, और एक्सक्यूज मी हम लोग बोलते हैं ना, कि थोड़ा प्लीज एक्सक्यूज मी और रास्ता छोड़ दीजिए, तो एक्सक्यूज मी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, अगर रास्ते पर कोई है आपको वहां से भीड़ से निकलना है तो एक्सक्यूज मी बोलते हुए हम लोग निकल सकते हैं। यू स्टेप ऑन योर फ्रेंड्स टो बाय मिस्टेक, यदि गलती से आपका पैर आपके किसी दोस्त के पैर पर पड़ जाता है तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, राइट। तो उस सिचुएशन में हम लोग
सॉरी बोलते हैं, अगर किसी कोई गलती हो जाती है, अपने पैर से किसी को लग जाता है या किसी भी तरह का कुछ मिस्टेक हो जाता है, कोई भी एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, तो हम लोग उस कंडीशन में आई एम सॉरी बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, राइट। फाइव है समवन से थैंक यू, अगर आपको कोई थैंक यू बोले तो आप क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम। चलिए इसको मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर B2, फर्स्ट में हम लोग प्लीज भरेंगे, PLEASE, प्लीज। सेकेंड में थैंक यू। थर्ड में एक्सक्यूज मी। फोर में हम लोग बोलेंगे आई एम सॉरी। ओके, और फाइव में हम लोग बोलेंगे और यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, है ना। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, राइट। चलिए इसमें आज इतना ही रखते हैं हम लोग, अगली क्लास में अब हम लोग इसमें जो ग्रामर गाइड है उसको पढ़ेंगे मंडे को, सॉरी ये ट्यूसडे को यानी कल, और फिर उसको हम लोग आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग रिवाइज भी करेंगे सारे चैप्टर्स को फिर से। ओके, तो आप लोग चैप्टर को फिर से रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, वर्ड्स को याद करते रहिए, वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करते रहिए, जो भी हार्ड वर्ड है उनको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, है ना, और चैप्टर्स को बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के पढ़िए। ओके, हैव ए गुड डे।